क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हाउ मेनी लेवल्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, कितने लेवल होते हैं डॉक्यूमेंटेशन के, ये पहले था अब भी बोल सकते हैं। पहला है क्वालिटी मैनुअल लेवल वन, अभी भी है। क्वालिटी मैनुअल को हम एपेक्स मैनुअल कहते हैं, क्वालिटी मैनुअल को एपेक्स मैनुअल भी कह सकते हैं। क्वालिटी मैनुअल क्या होता है, क्वालिटी मैनुअल में अभी आपको बताऊंगा। दूसरा एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, या अभी इसको डीपी भी कहा जाता है, डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस भी कहा जाता है। तीसरा वर्क इंस्ट्रक्शन है, कार्य निर्देश है। और चौथा जो है आपके जो फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स हैं, लाइक फॉर्म्स आपके फॉर्मेट्स, ये सब नीचे आती हैं। तो इंजीनियर जो टॉप मैनेजमेंट क्वालिटी मैनुअल एसओपी रेफर करती है, इंजीनियर एसओपी रेफर करता है, और शॉप फ्लोर वाला बंदा वर्क इंस्ट्रक्शन रेफर करता है, और फॉर्म्स फॉर्मेट तो सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। सो वी कैन से लाइक दीज आर लेवल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। जो डीआई वर्ड है, डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन, वो एक बड़ा वर्ड है। डीआई में आपके एसओपी, डब्ल्यूआई, वर्क इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें जो है वो डीआई का पार्ट हो सकती है, राइट। दीज ऑल आर बेसिकली डीआई। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन को समझने का प्रयास करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्या डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी में होना चाहिए? शैल डॉक्यूमेंट एंड इंक्लूड अ क्वालिटी मैनुअल विच कैन बी अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक और हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी होना मैंडेटरी नहीं है, आपकी सॉफ्ट कॉपी भी हो सकता है। क्वालिटी मैनुअल मैंडेटरी है क्या आईएटीएफ में? आईएसओ 9001 में क्वालिटी मैनुअल मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आईएटीएफ में क्वालिटी मैनुअल मैंडेटरी है। क्वालिटी मैनुअल कैसा होना चाहिए, क्वालिटी मैनुअल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये कंपनी की चॉइस है। एट द डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कंपनी की चॉइस है कैसा रखना है, ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि उसका साइज क्या है, कल्चर क्या है, कंपलसिटी क्या है। सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि क्वालिटी मैनुअल लंबा हो, थोड़ा इतना मोटा आपने क्वालिटी मैनुअल बना दिया, ऐसा जरूरी नहीं है। इट कुड बी अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लिस्ट बनाई जा सकती है। क्वालिटी मैनुअल में क्या क्या होना चाहिए? तो क्वालिटी मैनुअल शैल इंक्लूड एट ए मिनिमम, एट ए मिनिमम मतलब ये सब चीजें होनी चाहिए। पहला स्कोप होना चाहिए, आपने शुरू में स्कोप बनाया था ना, स्कोप आपने देखा था कि हम क्या मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्स वाई जी प्रोडक्ट, हमारे यहाँ क्या एप्लीकेबल है, क्या एप्लीकेबल नहीं है, क्या एक्सक्लूजन है। तो क्वालिटी मैनुअल में ये क्या क्या होना चाहिए, क्वालिटी मैनुअल में स्कोप होना चाहिए कंपनी का, हम क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या सर्विस बना रहे हैं। डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय द क्वालिटी मैनुअल सिस्टम और रेफरेंस। क्वालिटी मैनुअल में एक लिस्ट ऑफ प्रोसीजर, कम से कम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस, या प्रोसीजर भी कह सकते हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस या एसओपी होनी चाहिए। तीसरा द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एंड सीक्वेंस ऑफ इंटरेक्शन, यानी अपने यहाँ क्या प्रोसेस हैं, कौन से प्रोसेस जो हैं वो रिमोट लोकेशन में होते हैं, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल, कोई आउटसोर्स प्रोसेस है क्या? आउटसोर्स प्रोसेस किसे कहते हैं? प्लेटिंग, हीट ट्रीटमेंट। चौथा एक डॉक्यूमेंट या एक मैट्रिक्स होनी चाहिए, टेबल होनी चाहिए, किसकी? वेयर द ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज लिंक्ड विद कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तो जो सी एस आर मैट्रिक्स है ना, जो आपने एज ए असाइनमेंट भी करी है, तो सी एस आर मैट्रिक्स, यस दिस इज इंपॉर्टेंट, सी एस आर मैट्रिक्स इज रिक्वायर्ड। नोट अ मैट्रिक्स ऑफ हाउ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस ऑटोमोटिव क्यूएम स्टैंडर्ड आर एड्रेस बाय द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस मे बी यूज टू असिस्ट विद द लिंकेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस क्यूएम। तो आप उसका लिंकेज भी एस्पिश कर सकते हो। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, वुड यू लाइक टू सी द एग्जाम्पल, इसका प्रोसेस सीक्वेंस एंड इंटरेक्शन का एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं, नॉट मैंडेटरी ऐसे ही हो, लाइक इट कुड बी लाइक दिस ऑल्सो। गुड, तो यहाँ पे आपने क्या डिफाइन किया कि हमारे यहाँ कितने प्रोसेस हैं, आपने प्रोसेस डिफाइन कर दिया, मार्केटिंग, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, परचेज, स्टोर, लाइक दिस यू हैव डिफाइंड ऑल दिस प्रोसेस, राइट। उनके प्रोसेस नंबर लिख दीजिए, यू कैन राइट दी प्रोसीजर नंबर ऑल्सो। देन यू कैन ऑल्सो डिफाइन कि जो हमारा आउटसोर्स प्रोसेस क्या हो रहा है, वट आर दी आउटसोर्स प्रोसेस। तो यू कैन ऑल्सो डिफाइन दी आउटसोर्स प्रोसेस, जो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, या कैलिब्रेशन है, या ए एम सी ऑफ आई थिंक मशीन्स, ओके ए एम सी ऑफ मशीन्स है, दिस ऑल आर आउटसोर्स प्रोसेस, या कोई और अगर आउटसोर्स प्रोसेस हो रहा है तो आप वो डिफाइन कर दीजिए। देन यू कैन ऑल्सो डिफाइन कि जो आपकी रिमोट लोकेशन है, जैसे मानेसर टॉप मैनेजमेंट बैठती है, पुणे में आपका प्रोडक्ट डिजाइन हो रहा है, सो यू कैन ऑल्सो डिफाइन कि रिमोट लोकेशन में कौन सा प्रोसेस हो रहा है। सो दिस इज बेसिकली वन एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस सीक्वेंस एंड इंटरेक्शन, इट कुड बी मेड इन सम डिफरेंट वे ऑल्सो। सो दिस वन एग्जाम्पल,
of process sequence and interaction, right? This also I will share with you.